बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के MSW विभाग के सेमेस्टर रिजल्ट में हुई गड़बड़ी और रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह विश्वविद्यालय के चाणक्य परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। उनके साथ संगठन के कई और छात्र भी उनका सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान आकाश सिंह ने कहा कि सेमेस्टर रिजल्ट में विद्यार्थियों को टारगेट कर फेल करवा दिया गया है, जिसको लेकर पिछले एक महीने से विश्वविद्यालय प्रशासन से रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर लगातार वार्ता भी किया गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने समस्या का समाधान करने के बजाय भ्रमित कर रही है। आकाश ने कहा कि एक तो विद्यार्थियों को टारगेट कर उनका रिजल्ट गड़बड़ कर दिया जाता है, तो वहीं जब विद्यार्थी अपनी समस्या को लेकर आवाज उठाते हैं तो उनके परिजनों को फोन करके FIR के नाम पर धमकाया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के MSW डिपार्टमेंट का जो रिजल्ट आया है सेमेस्टर का, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। बच्चों को टारगेट करके फेल कर दिया गया है, किसी बच्चे का स्कोर कम कर दिया गया। जिन बच्चों को क्लास में प्रताड़ित किया जाता था प्रोफेसरों के द्वारा, धमकाया जाता था कि तुमको तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर देंगे, उन बच्चों का रिजल्ट में फेल करा दिया है, तो किसी का स्कोर कम कर दिया गया है। इन सभी चीज़ों को लेकर लगातार एक महीने से विश्वविद्यालय प्रशासन के सभी अधिकारियों के समक्ष जाकर छात्र और हम लोग गुहार लगाए कि हम लोग को मदद कीजिए, हमारी रिजल्ट को सुधार कीजिए, लेकिन ये लोग रिजल्ट सुधारने के बजाय छात्रों को दिग्भ्रमित किया और टहलाने का काम किया एक महीना। जब छात्र जो छात्र उनके ऊपर जब दबाव बनाने लगे कि सर मेरा रिजल्ट अब सुधारिए, इतना टाइम हो गया, तब ये लोग अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए बच्चों के घर पर फ़ोन करवा करके FIR करवाने की धमकी देते हैं। यह कहाँ से न्याय उचित है? क्या विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं या धमकी सुनने आते हैं कि FIR करवा देंगे? विश्वविद्यालय में बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं, उसको टारगेट करके आप फेल करा देते हैं, उनको मेंटली आप हरास करते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर जब हमें लगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो हम लोग कल से अनशन पे हैं और ये अनशन तब तक चलेगा जब तक ये रिजल्ट में सुधार नहीं ला देते और जो प्रोफेसर बच्चों के घर पर फ़ोन करके FIR करने की धमकी दी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर देते। अंजलि कुमार, कहाँ पढ़ती हो? मैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं MSW थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आपने अनशन पर क्यों बैठी है? सर, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। हम लोगों को मार्क्स ढंग से नहीं मिला है, अनफेयर मार्किंग हुई है और हमें क्लास में धमकी दी जाती है कि हमारा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और जो हमारे प्रोफेसर हैं वो रेगुलर क्लास में हम लोगों को पढ़ाते नहीं हैं, उसके बाद बहुत सारा चैप्टर्स एक दो दिन में ख़त्म कर देते हैं और उस अकॉर्डिंग हम लोगों को मार्क्स नहीं मिलता है। हम लोग खुद सेल्फ स्टडी करके सर मार्क्स लाते हैं, जितना भी लाते हैं, प्रोफेसर्स का उसमें कुछ योगदान नहीं होता। जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम में लिखी का उस बेसिस पर मार्क्स मिला कि नहीं तुमको? सर, उतना फेयर मार्किंग नहीं हुआ है, उसमें फेवरेटिज्म शो किया गया है। कुछ बच्चों को वो उनके प्रिय थे प्रोफेसर्स को, तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिला है और कुछ बच्चों को नहीं मिला। इनफैक्ट सर, वाइवा तक में जिन बच्चों को बोला गया था कि उन बच्चों का अच्छा गया है वाइवा, उनको सी मिला है, और जिन बच्चों ने आके अपना हाथ खरोच लिया था गुस्से में, उन बच्चों को B+ मिला है सर। तो फिर कैसे बोला जा सकता है कि फेयर मार्किंग है? क्या चाह रही है? सर, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का मार्क्स अप्रोप्रिएट मिले, और जिन प्रोफेसर्स ने हम लोगों को क्लास में धमकी दी है कि करियर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो हम लोग उनसे पढ़ना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हमें गेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड की जाए। बता दें कि जब तक रिजल्ट में सुधार नहीं होता तब तक छात्रों का अनशन जारी रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से राजीव रंजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।